So good morning friends, welcome to PD CLASSES. Today a very important session for all those who are preparing for interviews of IB. And this interview is going to be very fruitful. This is a demo session. So pehle to main apne team member se milana chahunga aapko. She is Yashan and she is from Fajalka, right? She is going for IB. And the same case, then we have a new candidate and he is also from Abur, right? Yes, sir. And your name is Sahil. Okay, Sahil ka meaning kya hota hai? One who helps others. Help others, that's good. Or Yashan ka meaning? Sir, happiness. Happiness. Yes. Wow. Ek jana helpful hai aur ek jana happy hai. That's great. Hamari team mein Sheetal hai. Sheetal is from SGNA. And next we have Chetan. Chetan is from Nasik, Maharashtra. Okay. Ye bhi aapki tarah hi 7 days ka course karne aaye hai yahan par. Chaliye sabse pehle to hum janna chahenge aapse IB ka headquarter kahan hai? New Delhi. Sir. New Delhi. Okay. Iska motto kya hai? Always alert, sir. Always alert. Yes. Aur iska ek adarsh vakya hai. Hamesha Chetan mein rehna, right? Chetanya. Yes, that's great. Chaliye ye bana kab tha? 1887 क्या मुख्य उद्देश्य क्या था इसके बनाने का सर देश के लॉ एंड ऑर्डर उस टाइम सर इंटरनल सिक्योरिटीज को मेंटेन करना था ओके और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए साथ ही साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी का भी काम करती थी वेरी गुड मतलब कॉम्बो था एक तरीके से yes. पर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से रॉ आया और आईबी को सेपरेट किया गया राइट चलिए अब मैं आपसे आपके बारे में पूछना चाहूंगा सबसे पहले तो मैं यशन आपसे चाहूंगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज लाउडली सर माय नेम इज यशनप्रीत कौर ओके आई एम फ्रॉम फाजिलका डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब आई हैव डन माय एमएससी केमिस्ट्री फ्रॉम डीएवी कॉलेज अबोहर सर मेरी हॉबीज हैं नए नए लोगों से मिलना और उनसे कुछ नया सीखना मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना वीडियोज देखना मेरे शौक है सर और सर मैं एक आईबी ऑफिसर बनना चाहती हूँ और सर ये मेरे ब्लड में है क्योंकि देश की सेवा करना मेरे ब्लड में है क्योंकि सर मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो ये मुझे शुरू से ही था कि मैं अपने देश की सेवा कुछ साहसी कार्य करके ही करूं और आपने बताया था कि आप खुद एक करेजियस गर्ल है यस सर दैट्स गुड ओके यस मिस्टर साहिल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कुछ हमें बताइए अपने बारे में आपके एजुकेशन के बारे में बताइए चले हमें Sir, I've done BCom from Punjab University. BCom? Yes, sir. Commerce? Yes, sir. चलिए साहिल मुझे ये बताइए कि आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होगा Yes, sir. तो आप इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे लोगों के साथ मिलकर उनके बारे में जानकर और लोकल एरियाज में जाकर उनके साथ अपनी पहचान बनाकर और नए नए कल्चर को शीतल क्या लगता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हाथों हाथ इन्फॉर्मेशन नहीं देते ऐसे भी लोग होते हैं जल्दी से इनको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो आप उन लोगों से कलेक्ट कैसे करेंगे इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए अलग से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी सर उनके साथ क्लोजनेस बना के ओके या फिर जो भी अलग अलग तरीके होते हैं उनसे साम दाम दंड भेद सभी का यूज कर दंड भेद भी कर देंगे यानी कि पिटाई भी कर देंगे आप सबकी यस ओहो यस मिस्टर चेतन यू कैन हैव अ क्वेश्चन प्लीज मैडम हमारे देश में एक बार इमरजेंसी लगी थी तो उसके बारे में कुछ ब्रीफली बता सकते हैं आप यस सर सर हमारे देश में पहली बार जो इमरजेंसी थी वो पंजाब में लगी थी 1984 में ओके जब सर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उस टाइम सर कुछ आतंकवादी थे जो गोल्डन टेंपल में छिपकर बैठे थे और वहाँ असला जो था वो ट्रक भर भर कर वो मतलब आ रहा था वहाँ तो उस टाइम सर इमरजेंसी लगी थी राष्ट्रपति इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल राइट 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 चलिए आप मुझे आईबी का प्रोफाइल बताइए सर आईबी जो है वो बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी पे और साथ साथ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है डोमेस्टिक इंटेलिजेंस ओके यस सर और सर मतलब पूरे हमारे देश में पीस रहे कहीं right. कुछ ऐसा ना हो कि हमारे देश को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो उसके बारे में मतलब खुफिया जानकारी इकट्ठा करना yes. हर जगह से ये सर काम होता है और वीआईपी सिक्योरिटीज और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके सर मतलब अपनी प्रोवाइड करना यस सर प्रोवाइड करना दैट्स ग्रेट यस डियर आप बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है सर मैं जल्द एक जोवियल पर्सनैलिटी हूँ okay. और मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं एक वर्सेटाइल पर्सन होता हूँ इसलिए हर माहौल में एडजस्टेबल भी हूँ और इसके साथ ही साथ मैं टेक्निकल डिवाइसेस और आईटी में
अच्छी तरीके से हैंडल करने में कंफर्टेबल हूँ और मुझे लोगों से डील करने का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है. यस शीतल, हैव योर क्वेश्चन प्लीज. अपनी स्ट्रेंथ बताइए कुछ. कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताइए जो मैच करता हो जॉब को. सर मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मैं एक लोगों के साथ बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन जाता हूँ और उनको जानने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ. ओके मैं चाहता हूँ आप मुझे बताइए कि रॉ, सीबीआई और आईबी तीनों में डिफरेंस क्या है. सर रॉ एक ऐसी एजेंसी है जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी काम करती है. ओके और उसका में मुख्य जो उद्देश्य होता है देश को आतंकवाद से बचाना, देश के अंदर बाहरी जो खतरे होते हैं उनसे पहले ही इनकी निगरानी करना और जानकारी प्राप्त करके और अन्य खतरों से सावधान होना. ओके अगर बात करें आईबी की तो आईबी का काम इंटरनल सिक्योरिटी का होता है. इसके साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और देश के लोगों की सुरक्षा के लिए काम करना, ये सब काम होते हैं. इंफॉर्मेशन के जरिए इंफॉर्मेशन पहले प्राप्त करके ये सभी कामों को आईबी पूरा करती है. और सीबीआई एक ऐसी सीबीआई की संरचना एक पुलिस की तरह है. वो हमें अरेस्ट भी कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो गुढ़े मामले होते हैं उनको उनकी जांच करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके उनके खुलासे करती है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके पास. चलिए आप हमें बताइए कि आप ऑलमोस्ट कम्पिटिट अपने जो इतने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उनसे अलग कैसे, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सर बाकियों के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं उनके बारे में नहीं जानती इतना. तो सर मैं अपने बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं एक क्रेजियस गर्ल हूँ, कॉम्पिटिटिव हूँ. सर सर मुझे साहसी कार्य करना अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ सर. ओके और सर मेरे ब्लड में भी है ये. दैट्स गुड. मैं आपको बता. सो योर ग्रैंडफादर. यस सर, ग्रेट ग्रैंडफादर. सर ग्रेट ग्रैंडफादर हैज वर्कड इन फ्रीडम फाइटर है. सर फ्रीडम फाइटर, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड. चलिए मुझे बताइए कि आपने आईबी के बारे में बताया, रॉ के बारे में बताया, राइट? तो पर्टिकुलर डेफिनेटली वी आर हैविंग सर्टन इंटरेस्ट. यस, तो आपका जो कॉमर्स बैकग्राउंड है वो हमारे यहाँ पर कैसे काम आएगा. सर मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स नाम के सब्जेक्ट्स थे. उनसे मैं जानकर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का बहुत अच्छा तरीका है. डेटा को एनालिसिस करके उनसे अपने कंक्लूजन पे जा सकते हैं और इसमें एक एक्सपर्टीज प्राप्त होती है जिनको स्टैटिस्टिक्स की अच्छी जानकारी होती है. गुड, तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करने में मुझे बहुत ही फ़ायदा होगा. ओके स्टैट में कितने मार्क्स थे आपके बी कॉम में. स्टैट में 85 मार्क्स थे आउट ऑफ 100. वेरी गुड, अच्छी स्कोरिंग है आपकी, दैट्स ग्रेट. यस टेल मी समथिंग अबाउट नक्सल्स. सर नक्सल्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल का एक नक्सलबाड़ी गांव था वहाँ से स्टार्ट हुआ था नक्सलिज्म. ओके चारू मजूमदार ने जो उसके जो पहले उन्होंने स्टार्ट किया था क्योंकि उस टाइम सर प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही थी. हाँ जी कंटिन्यू. वहाँ सर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी. ओके ना ही तो एजुकेशन अच्छे से हो रही थी और उन्हें लगता था कि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है. तो उन्होंने उन्हें लगा कि हम अपने ही अब हम अपना ये जो है एरिया हम खुद चलाएंगे, सरकार को नहीं यहाँ पे कोई भी काम करने देंगे. तो सर इसीलिए शुरू हुआ था ये. लेकिन अब सर वो चाहते हैं कि हमारा राज हो, अब उनका एजेंडा है जो अलग है. ओके तो अब सरकार वो सर वोट्स वगैरह नहीं डालते हैं, वो इलेक्शंस में कोई बिलीव नहीं रखते हैं और ना ही वो उन्हें कोई हमदर्दी है देश के प्रति. वो देश को मानते ही नहीं है सर. वो कहते हैं या तो हम हैं हमारा जो एरिया है या फिर इंटरनेशनल नाम की कोई चीज़ है, नेशन कुछ भी नहीं है सर. चलिए एक बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है हमारे पास, AFSPA. यस बता सकते हैं. बताइए. आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट. यस क्या चाहिए इसके अंदर. से देश के अंदर हो रहे दंगों को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है. इसके अंदर आर्म फोर्सेस डायरेक्टली जाके कंट्रोल कर सकती है, उन्हें ये अधिकार दिया जाता है और ऐसा हिस्ट्री में कई बार हुआ है और कई जगह पे लागू भी है जैसे असम और नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स में और जम्मू कश्मीर के अंदर. एक बार यह पंजाब के अंदर भी लगा था 1963 में सर. ओके इंडो पाक रिलेशंस के बारे में आप क्या कहते हो.
इंडो पाक रिलेशनशिप हमेशा बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि अगर दो मित्र देश आपस में मित्रता करके चलेंगे तो दोनों का विकास होगा और दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन कुछ भारी ताकतें और अन्य देश जो वर्ल्ड में अपना रुतबा जमाना चाहते हैं, वो इस चीज़ को होने से रोकना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बता सकते हैं कि मेन जो रायट्स का कारण होता है, दंगों का कारण होता है, वो क्या होता है? अशिक्षा सर। कुछ और? अशिक्षा के साथ साथ बेरोजगारी और बढ़ती हुई जनसंख्या। ओके, आपको लगता है ये मुख्य कारण है हमारे देश के। ओके, आप अबोर से बिलोंग करते हैं, तो बताइए कुछ अबोर के बारे में। सर, अबोर के बारे में सबसे खास यह है कि अबोर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ ब्लैक बक्स और अन्य जंगली जानवरों को सुरक्षा दी जाती है। वहाँ की जो कम्युनिटी है वो इसकी सुरक्षा के लिए अपने दिल से काम करती है। और उधर 13 किलोमीटर के एरिया के अंदर यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, और अबोर को अभी अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया है। इंटरनल थ्रेट्स के बारे में आप क्या कहेंगे मिस्टर साहिल? सर, इंटरनल थ्रेट्स वो थ्रेट्स है जो देश के अंदर दंगों या फिर अन्य चीज अन्य खतरों से रिलेटेड होता है, और इसका मुख्य कारण ये होता है कि अशिक्षा और लोगों के अंदर धार्मिक अंधविश्वास। यस, सो आपको लगता है कि इंटरनल थ्रेट जितना उसके जल्दी रिलीव होना चाहिए लोगों से, राइट? जितना उसके दूर रहे और ये थ्रेट नहीं होना चाहिए, राइट? तो एज आईबी ऑफिसर आप अपने वर्क को किस तरीके से करेंगे कि आप आईबी में अपनी एक छाप छोड़ के जाएं, या ये कहें कि आईबी में अपना नाम कमाएं, ऐसा क्या करेंगे आप? मैं सर लोगों को और अलग अलग सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को देखने की कोशिश करूंगा, उनके बिलीफ्स को, उनकी बारे में जानकारी प्राप्त करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करूंगा, और उसके अनुसार ही उस चीज़ पे काम करूंगा और इन्फॉर्मेशन बटोर के उस पे नई नई उनके लिए फ़ायदेमंद स्कीम या फिर कुछ ऐसा गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक एजुकेटेड पर्सन से हम यही उम्मीद करते हैं, राइट? यस सर। यशन, आपको हमारे पास करीबन 4-5 डेज हो चुके हैं, हाउ यू आर फीलिंग एट पीडी क्लासेस, कैसा लग रहा है आपको? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ सर मैं अपने आप में। सो आपको लगता है कि आप पंजाब से जब दूसरे स्टेट से आए, तो आपको यहाँ के बारे में मालूम कैसे चला था यशन? सर, मुझे यूट्यूब से ही पता चला था। ओके, सो आपको लगता है कि बेनिफिट है, अब आपको चेंजेस आए हैं अब आपकी पर्सनालिटी के अंदर? बहुत ज़्यादा। दैट्स ग्रेट। और व्हाट अबाउट साहिल, आपके क्या व्यूज है? सर, मैं भी बहुत बढ़िया हो गया हूँ पहले से। ओके, और साहिल को हार्डली 3 डेज हुए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यस सर, पहले इंटरव्यू देने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, जो कि अब बहुत ज़्यादा हो गया सर। ओके, और चेतन भी हमारे पास बाहर से ही है, फ्रॉम महाराष्ट्र, तो चेतन के क्या व्यूज है पीडी क्लासेस के बारे में? सर, यहाँ कर तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत प्यारे लोग मिले सर, श्रीगंगानगर। ओके, और जहाँ तक पीडी क्लासेस की बात है सर, कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ा है इंटरव्यू देने के लिए, और नए नए टेक्निक्स भी सीखने को मिले कि आंसर किस तरह से देने का, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होनी चाहिए। ओके, बहुत सारी बातें सर। That's great. So it's the right time to give best wishes to my students. So my best wishes to you. You people will definitely get selected. Best of luck. Okay? Yes, best wishes to you. Thank you.